अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। 22 साल पहले भारत ने आज के दिन ही रच दिया था बड़ा इतिहास और पूरी दुनिया हैरान रह गई थी जब उसने सुना था कि भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण कर दिया है। अमेरिका की जो सैटेलाइट्स हैं पूरी दुनिया में उनकी धाक होती थी, उसकी सैटेलाइट्स की धाक खत्म कर दी थी वाजपेयी सरकार ने, और जिस तरीके से परमाणु परीक्षण के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाया, आज भी देश अटल बिहारी वाजपेयी के उस कार्यकाल को याद करता है। आइए आपको सुनाते हैं उस दिन की वो दास्तां। दरअसल 11 मई 1998 को भारत सरकार ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया था। यह परीक्षण देश के वैज्ञानिकों की असाधारण उपलब्धि के रूप में याद किया जाता है। 1998 में 11 मई को भारत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 5 परमाणु परीक्षणों में से पहले का सफल परीक्षण किया था। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. The measured yields are in line with expected values. Measurements have also confirmed that there was no release of radioactivity into the atmosphere. These were contained explosions like the experiment conducted in May 1974. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोखरण के परमाणु परीक्षण को याद करते हुए आज कहा कि भारत के इतिहास में यह ऐतिहासिक क्षण था। उन्होंने कहा कि 1998 का पोखरण परीक्षण यह भी दिखाता है कि मजबूत राजनीतिक नेतृत्व क्या बड़े बदलाव ला सकता है। पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण का मिशन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में इस तरह से पूरा किया गया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और उसके सैटेलाइटों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इससे पहले इंदिरा गांधी की सरकार में साल 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया था। वाजपेयी सरकार ने इस मिशन को ऑपरेशन शक्ति कोड नेम दिया था। इससे पहले 1974 में हुए परमाणु परीक्षण को तत्कालीन सरकार ने स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया था। आइए आपको बताते हैं कि 22 साल पहले कैसे भारत सरकार ने बड़े ही गोपनीय तरीके से परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था। आपको याद होगा आज से 20 वर्ष पहले 11 मई 1998 शाम को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था। उनकी बातों ने पूरे देश को गौरव, पराक्रम और खुशी के पल से भर दिया था। विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय में एक नए आत्मविश्वास उजागर हुआ था। वो दिन था बुद्ध पूर्णिमा का, 11 मई 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। उसे 20 वर्ष हो रहे हैं और ये परीक्षण भगवान बुद्ध के आशीर्वाद के साथ बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। भारत का परीक्षण सफल रहा और एक तरह से कहें तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। हम कह सकते हैं कि वो दिन भारत के इतिहास में उसकी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के रूप में अंकित है। भगवान बुद्ध ने दुनिया को दिखाया है इनर स्ट्रेंथ, अंतर्मन की शक्ति शांति के लिए आवश्यक है। इसी तरह जब आप एक देश के रूप में मजबूत होते हैं तो आप सबके साथ शांतिपूर्ण रह भी सकते हैं। हमारी कोशिश थी किसी भी प्रकार से इतने बड़े देश को न्यूक्लियर ब्लैकमेल से रोका जाए। अगर आप देखो तो 1971 वॉर में अमेरिकन 7th फ्लीट आ गई थी। हेनरी किसिंजर के मेमोर्स को पढ़ो तो उसने साफ तौर पे कहा है अगर लड़ाई कुछ दिन और चली जाती तो शायद वो न्यूक्लियर अटैक करने जा रहे थे जैसे नागासाकी हिरोशिमा में हुआ कलकत्ता के ऊपर। उसकी किताब में साफ तौर पे इसका वर्णन है। उस समय इंडो सोवियत ट्रीटी जो थी, हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, रशियन ब्लैक सी फ्लीट अमेरिका के 6th और 7th फ्लीट के पीछे थी और रशिया ने साफ तौर पे कह दिया था किसी प्रकार का कोई हमला हिंदुस्तान के खिलाफ रशिया को लड़ाई में ले आएगा। साथ ही साथ इसी इलाके में हमारा एक और बड़ा नेबर है चाइना, जो न्यूक्लियर हो चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी को साफ तौर पे ये भी पता था कि हर प्रकार से पाकिस्तान न्यूक्लियर
बनने की कोशिश कर रहा है। साल 1974 में पहले न्यूक्लियर बम का टेस्ट करने के बाद भारी वैश्विक दबाव के बावजूद भारत ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा। 1995 में दोबारा परीक्षण के लिए नरसिम्हा राव सरकार ने हरी झंडी दी थी, लेकिन इस दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भारत के न्यूक्लियर बम बनाने की गतिविधियों को अपने सैटेलाइट से पकड़ लिया। अमेरिका ने तब धमकी जारी की थी कि अगर भारत न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। इसी बीच 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने और परमाणु परीक्षण कराए जाने का आदेश दिया। इस आदेश के महज दो दिनों बाद उनकी सरकार गिर गई। 1998 में वाजपेयी ने एक बार भारत के प्रधानमंत्री पद की फिर शपथ ली और सत्ता में आए। PM बनने के बाद वाजपेयी ने पोखरण 2 की अनुमति दे दी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पोखरण पर परमाणु बम की निगरानी रखने के लिए 4 सैटेलाइट लगाए हुए थे ताकि वहां पर कुछ भी हलचल होती है तो उसको पकड़ा जा सके। इसलिए वैज्ञानिकों ने पहले यह पता लगाया कि किस वक्त अमेरिकी खुफिया एजेंसी की सैटेलाइट भारत की निगरानी नहीं कर रहा होता है। मालूम हुआ कि रात में सैटेलाइट से पोखरण की गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल था, तो ये तय किया गया कि सभी वैज्ञानिक रात में ही काम करेंगे। परीक्षण वाले दिन सभी वैज्ञानिक सेना की वर्दी पहनकर आए ताकि अमेरिका को लगे कि सेना के जवान ड्यूटी दे रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी सेना की वर्दी में वहां मौजूद थे। सभी एक दूसरे से कोड भाषा में बात करते थे। परमाणु बमों को सेना के 4 ट्रकों से पोखरण लाया गया था। इससे पहले मुंबई से भारतीय वायुसेना के प्लेन से इसे जैसलमेर बेस लाया गया था। जब परीक्षण का समय आया तब हवाएं आबादी वाले इलाके की ओर बह रही थी। ऐसे में अगर परीक्षण किया जाता तो रेडिएशन फैल सकता था। हवाओं के शांत होने तक इंतजार किया गया। दोपहर में हवाओं का डायरेक्शन बदला, आखिरकार धमाका किया गया और धमाके से पूरे आसमान में धुएं का गुबार उठ गया। इस धमाके के साथ ही 11 मई का दिन अमर हो गया। इस परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु शक्ति है। इसी की याद में 11 मई को हर साल देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। सफल परमाणु परीक्षण की खबर आते ही देश में खुशी की लहर दौड़ गई और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता में बड़ा इजाफा हुआ। परीक्षण के बाद वाजपेयी रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तथा अन्य सहयोगियों के साथ परमाणु परीक्षण स्थल पहुंचे थे। देश ने उस समय देखा कि किस तरीके से जो बड़े बड़े देश थे, जो विकसित देश हैं, उन सब ने भारत पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी परवाह नहीं की क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य था कि भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। और आप देखिए, अगर आप जो वाजपेयी जी का कार्यकाल की समीक्षा करेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। समय को देखते हुए जिन देशों ने प्रतिबंध लगाए थे उन्होंने खुद ही प्रतिबंध हटाए क्योंकि उनको भी वहां पर भारत के साथ कारोबार नहीं करने पर और भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो भारत तो आत्मनिर्भर बन गया था और भारत की आत्मनिर्भरता को देखते हुए अन्य देशों ने प्रतिबंध हटाए थे और ये एक बड़ी उपलब्धि है, खासतौर पर इस मायने में भी कि जब ये तथ्य सामने आया कि जब भी कोई रक्षा मंत्री बनता था नया या प्रधानमंत्री नया बनता था तो वैज्ञानिक हमारे जो हैं उनके पास जाते थे, रक्षा मंत्री के पास, कि परमाणु परीक्षण की अनुमति दें क्योंकि हमारी सारी तैयारी है, लेकिन वैश्विक दवाओं या अन्य दवाओं की वजह से परीक्षण टल जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा नहीं किया, जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया और परमाणु परीक्षण कर देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। आज देश इस खुशी के दिवस को मना रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी की योगदान को भी याद कर रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश में खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ।